नमस्कार, सस्त्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये वीडियो को लाइक करिएगा, और जो नए आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और घंटी जो आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा और लाइक भी करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। तो आज 26 जनवरी है, मतलब गणतंत्र दिवस। ये अवसर साल में एक ही बार आता है और ये अवसर हमेशा खूब सारी खुशी अपने साथ लेकर आता है। तो मैं इस शुभ अवसर पर एक भाषण बनाया, तो चलिए भाषण सुन लेते हैं। सुप्रभात सम्मानित बुजुर्गों और मेरे साथी छात्रों के लिए। आज हम भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। क्षण पहले हमने राष्ट्र ध्वज उछालने के बाद हमारे सम्मान्य मुख्य अतिथि से भाषण सुना है। भाषण हमारे शिक्षक और स्कूल कॉलेज प्रबंध से भी सुना गया था। अब मैं यहाँ खड़े होने और इस गणतंत्र दिवस पर हमने बहुमूल्य राष्ट्र के बारे में कुछ बात करते हैं करने के लिए ऐसी उत्कृष्ट संभावना देने के लिए कहूंगा। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। 26 जनवरी 1950 में भारत द्वारा स्वायत्तता हासिल की गई थी। भारत का संविधान गठित किया गया था और प्रयोग वर्ष होने में इस तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया था। इस वर्ष हम भारत में 72वें गणतंत्र दिवस देख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि सिर्फ गणतंत्र दिवस पर हमेशा देश में प्रतीत आने महान नेताओं को, विदोलनों को याद रखना होगा, लेकिन दिनों को हमें उन्हें याद रखना और उनकी प्रशासन करना है। तो ये थी छोटी सी स्पीच जो मैंने बनाई थी। तो होप यू एंजॉय दिस स्पीच। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।